गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए आप चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। चैप्टर नंबर फोर्थ है आपका सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। तो देखिए, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, किस चीज़ के बारे में पढ़ा था कि जो एक ही वर्ष अमेरिका जो एक ही पावर रह गई थी सोवियत संघ के विघटन के बाद, ठीक है। अब वैकल्पिक केंद्र का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो एक ही मतलब सत्ता में पावर रह गई थी अमेरिका, ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से ऑप्शंस आए उनको हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना हुई, कुछ संगठनों की स्थापना हुई, और जिन संगठनों की स्थापना हुई वही हमारे यहाँ पर क्या होंगे, वैकल्पिक केंद्र होंगे। तो नाम से क्लियर है और इस चीज़ से भी क्लियर है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ वैकल्पिक केंद्रों के, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जिनकी स्थापना की गई, ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार क्या कहता है। 1990 के दशक में शुरू में विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। 1990 में आपको पता है जो पूरा विश्व दो ध्रुवीय व्यवस्था में बटा हुआ था वो टूट गई, ठीक है, सोवियत संघ का विघटन हो गया, और उसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। यूरोप में यूरोपीय संघ, एशिया में दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन जिसे आसियान बोला गया है, का उदय दमदार शक्ति के रूप में उभरा। यहाँ पर कौन से संगठन की बात की गई है, यूरोपीय संघ की बात की गई है, यूरोपियन यूनियन की बात की गई है, और आसियान की बात की गई है, ठीक है। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ने ही अपने अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का अक्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा। देखिए, जो इनका अक्षेत्र था यूरोपीय संघ के अंदर जो जो कंट्री थी, ठीक है, और जो आसियान के अंदर थी, दोनों ही ने अपने अपने इलाके में चलने वाली जो ऐतिहासिक दुश्मनियाँ थी या फिर जिन्हें हम कमजोरियाँ कह सकते हैं, कमजोरियों का इन्होंने अक्षेत्रीय स्तर पर, ठीक है, जो रीजनल लेवल है उसी पर इन्होंने इसका समाधान ढूंढा था। साथ ही इन्होंने अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी अक्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने तथा इस क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्था का समूह बनाने की दिशा में भी काम किया। चीन के आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर काफ़ी नाटकीय प्रभाव डाला। देखिए क्या कहता है इसमें, साथ ही इन्होंने अपने अपने इलाकों में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने तथा इस क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में भी काम किया। चीन का जो आर्थिक उभार हुआ था उसने विश्व राजनीति पर काफ़ी नाटकीय प्रभाव डाला। इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर नज़र डालेंगे। इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ वैकल्पिक केंद्र जो उस टाइम पे उभरे थे तो उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। यह जांचने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनकी भूमिका क्या हो सकती है या क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ के बारे में देखेंगे। देखिए, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवालों को लेकर परेशान रहे हैं। देखिए, जिस टाइम पे दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, 1945 में हुआ था, तो उस टाइम पे जो यूरोप के नेता थे वो यूरोप के सवालों को लेकर काफ़ी परेशान रहे हैं। क्या यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर उसे अपने संबंधों को नए स्तर सिरे से बनाना चाहिए। देखिए, यूरोप के पास दो ऑप्शन थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वार फिनिश हुआ था। फर्स्ट यहाँ पर क्या था कि क्या वो कुछ ऐसा करे कि जो उसकी दुश्मनी जिन देशों के साथ हैं उन्हें को बरकरार रखें या उन्हें फिर से शुरू करें, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि वो कुछ सकारात्मक योगदान दें, इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं, ठीक है,
फिर उसके बाद देखिए, दूसरे विश्व युद्ध ने अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया, जिसके आधार पर यूरोपीय देशों में आपसी संबंध बने थे। देखिए, जो यूरोपीय देशों के अंदर आपसी संबंध जो जिन मान्यताओं के जिन प्रिंसिपल्स के बेस पे बने हुए थे, वो सारे के सारे ध्वस्त हो गए। और 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं की बर्बादी तो झेली ही, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त होते भी देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। देखिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उस टाइम पे जो यूरोपियन कंट्री थी उनकी इकोनॉमी जो है, उनकी अर्थव्यवस्था जो है, वह काफ़ी नीचे चली गई थी। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम कि 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी तो झेली ही थी, साथ में जिन मान्यताओं और जिन व्यवस्थाओं के आधार पर, ठीक है, यूरोप खड़ा हुआ था, वो सब भी ध्वस्त हो चुकी थी। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए ज़बरदस्त मदद की। देखिए, 1945 के बाद की यदि मैं बात करूं, तो यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध से भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए ज़बरदस्त मदद की थी। देखिए, यूरोप की मदद किसने की? अमेरिका ने की। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया और मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। 1948 में किसकी स्थापना की गई थी? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई थी। जो यूरोप की इस वेस्टर्न कंट्रीज थी, उन्हें इकोनॉमिक हेल्प दी गई थी। यह एक ऐसा मंच बन गया जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार और आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद शुरू कर दी। देखिए, इस माध्यम के द्वारा हम क्या कह सकते हैं कि यूरोप के जो देश थे, उन्होंने व्यापार तथा आर्थिक मामलों में एक दूसरों की मदद करनी शुरू कर दी थी। और 1949 में गठित यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के मामले में एक अगला कदम साबित हुआ। यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ी और इसके परिणाम स्वरूप 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब हुआ था? 1957 में हुआ था। और यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद इस प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया है। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ की स्थापना के रूप में हुई। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर सहयोग और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया। अब उसके बाद देखिए, एक लंबे समय में बना यूरोपीय संघ आर्थिक सहयोग वाली व्यवस्था से बदलकर ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक रूप लेता गया। देखिए, यहाँ पर हम देखें कि जो ये है, एक आर्थिक सहयोग संस्था बनी थी। ठीक है, इकोनॉमिक रूप से यह है सभी कंट्रीज़ की क्या करेगी? हेल्प करेगी, जो इस संघ के अंदर इंक्लूड होंगी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो है, यह ज़्यादा से ज़्यादा इसने राजनीतिक रूप ले लिया। अब यूरोपीय संघ समय काफ़ी हद तक एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लग गया। अब जो यूरोपीय संघ है, वह किस तरीके से काम करने लग गया? जिस तरीके से एक विशाल जो राष्ट्र राज्य होता है, वह कार्य करता है। हालांकि यूरोपीय संघ का एक संविधान बनाने की कोशिश तो असफल हो गई। यूरोपीय संघ का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास किया गया था, एक संविधान, जैसे भारत का संविधान है, इसी तरीके से वहाँ के भी एक संविधान बनाने की प्रक्रिया को फॉलो किया गया था, बट उसमें क्या हो गए? फेल हो गए, असफल हो गए। लेकिन इसका अपना एक झंडा है, गान है, स्थापना दिवस है और अपनी ही मुद्रा है। अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफ़ी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी बना ली है। नए सदस्यों को देखिए, नए सदस्यों को शामिल करते हुए यूरोपीय संघ ने सहयोग के दायरे में विस्तार की कोशिश की है। नए सदस्य मुख्यतः भूतपूर्व सोवियत खेमे के थे। देखिए, जब जो इसके नए सदस्य बन रहे थे, तो उसमें इसने अपना दायरा क्या है, विस्तृत कर दिया है। और दूसरी बात, जो इसके नए सदस्य बने थे, वो कहाँ के थे? सोवियत ब्लॉक के थे, सोवियत खेमे के थे। यह प्रक्रिया आसान नहीं रही है। अनेक देश के लोग इस बात को लेकर कुछ
खास उत्साहित नहीं थे कि जो ताकत उनके देश की सरकार को हासिल थी वह अब यूरोपीय संघ को दे दी गई है, और यूरोपीय संघ के कुछ देशों को शामिल करने के सवाल पर भी उनकी क्या थी, असहमति थी। ठीक है, आज हम यहाँ तक देखेंगे। इसमें आपको जो लर्न करना है, ठीक है, तो आपको लर्न करना है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया 1945 में अमेरिका ने मदद की थी, ठीक है, नाटो के तहत मदद की थी, तो उसे क्या बोला गया था, मार्शल योजना बोला गया था। तो आपसे यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मार्शल योजना क्या है, तो आपको वहाँ पर बतानी है। दूसरी बात आपसे पूछा जाए कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी, 1948 में गई थी। एक क्वेश्चन यहाँ से ये हो गया, दूसरा एक ये हो गया, मार्शल योजना, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है, यूरोपीय परिषद कहाँ गया, ये रहा, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब हुआ था, तो 1957 में हुआ था, ठीक है। और यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, जो सोवियत संघ का विघटन हो गया था उसके बाद, तो यह कब हुई थी, 1992 में हुई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से 1957 एंड सेकंड इज 1992, ठीक है। दो क्वेश्चन आपके सामने हो गए हैं, तो ये सारे के सारे आपको क्या लर्न होने चाहिए। सिर्फ दो क्वेश्चन यहाँ से हैं और दो क्वेश्चन यहाँ से हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, तो चार क्वेश्चन आपको ये लर्न होने चाहिए। क्लियर हो गया। अब देखिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स अपनी बुक ओपन करें, 4 चैप्टर कर रहे हैं हम, चैप्टर नंबर 4 अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार। आफ्टर द एंड ऑफ द बाइपोलर स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन द अर्ली 1990, जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो थी पूरी की पूरी, जब वो बाईपोलर थी, बाईपोलर का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब दो, पोलर का मतलब जो ध्रुव होते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर कोई भी व्यवस्था टिकी होती है उसे ही हम यहाँ पर पोलर बोल रहे हैं। तो बाईपोलर मतलब दो ध्रुवों पे जो व्यवस्था टिकी हुई है। जब उस वर्ल्ड पॉलिटिक्स की हम बात करेंगे जो 1990 के बाद हुई थी, इट बिकम क्लियर दैट अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर कुड लिमिट अमेरिका डोमिनेंस। ये कहते हैं कि यदि हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव सेंटर होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल रूप से और राजनीतिक रूप से, तो वो अमेरिका की जो डोमिनेंस पावर है उसको लिमिट में कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। दस इन द यूरोप एंड द यूरोपियन यूनियन एंड इन एशिया, यूरोप में क्या थी, यूरोपियन यूनियन थी, और एशिया की यदि मैं बात करूँ तो वहाँ पर था द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। आसियान के फुल फॉर्म आपको गिवन है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन जाता है कि आसियान की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप इसे मार्क कर लें और अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लें, 1 मार्क्स में से पूछा जा सकता है। हैव एमर्ज एज ए फोर्स टू रेकन विद वाइल इवोल्विंग रीजनल सोल्यूशन टू देयर हिस्टोरिकल एनिमिनिटीज एंड वीकनेस। ये कहता है इन्होंने अपनी जो भी इनकी प्रॉब्लम थी हिस्टोरिकल, चाहे वो इनके आपस में दुश्मनी थी या इनकी कमजोरियाँ थी, इन्होंने इन्हें रीजनल इनके रीजनल सोल्यूशन निकाले और इनको इवॉल्व किया, इनका सोल्यूशन किया, ठीक है। बोथ EU का EU स्टैंड्स फॉर यूरोपियन यूनियन एंड एशियान हैव डेवलप अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन। इन्होंने ये अल्टरनेटिव वैकल्पिक रूप से क्या थे, मतलब अल्टरनेट थे, ऑप्शंस थे, इंस्टीट्यूशन एंड कन्वेंशन दैट बिल्ड ए मोर पीसफुल एंड कोऑपरेटिव रीजनल ऑर्डर। और इन्होंने मतलब एक शांति और सहयोग वाला क्षेत्र का निर्माण किया एंड हैव ट्रांसफॉर्म द कंट्री इन द रीजन इन टू द प्रॉस्परस इकनॉमी। और इन्होंने जो कंट्रीज थी उनके रीजन को एक प्रॉस्परस इकनॉमी में ट्रांसफॉर्म किया। एंड द इकनॉमिक राइज ऑफ द चाइना, और जो चाइना की इकनॉमी जो है वह जब ऊपर उठी, हैज़ मेड ए ड्रामेटिक इम्पैक्ट, उसने एक ड्रामेटिक इम्पैक्ट डाला ऑन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर। इन दिस चैप्टर वी टेक ए लुक एट सम ऑफ दिस एमर्जिंग अल्टरनेटिव सेंटर, हम सेंटर ऑफ पावर्स एंड एसेसेस देयर पॉसिबल रोल इन द फ्यूचर। और हम यहाँ पर उन अल्टरनेटिव जो सेंटर्स थे पावर के, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ हम देखेंगे कि उनका फ्यूचर में क्या रोल रहा है, ठीक है, वो क्या रोल प्ले करेंगे, उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम जब यहाँ पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में, ठीक है, यूरोपियन यूनियन क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, एज द सेकेंड वर्ल्ड वार केम टू एन एंड, ठीक है, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था,
तो यूरोपियन मैनी ऑफ यूरोपियन लीडर, यूरोप के जो बहुत सारे लीडर थे, ग्रैपल्ड विद द क्वेश्चन ऑफ यूरोप. वो ग्रैपल थे, उनके माइंड में क्या क्वेश्चन था, यूरोप से संबंधित क्वेश्चन थे. शुड यूरोप बी अलाउड टू रिवर्ट इट्स ओल्ड रिवेलवरीज, क्या मतलब दोबारा से, मतलब यूरोप को अपनी वही दुश्मनी जो उन्होंने पहले वो कर रहे थे उनकी शुरुआत कर देनी चाहिए. और बी रिकंस्ट्रक्टेड ऑन प्रिंसिपल एंड इंस्टीट्यूशन दैट वुड कंट्रीब्यूट टू ए पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. या फिर उन्हें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो ये इंस्टीट्यूशन जिनका सेटअप हो रहा है उनका उनके साथ सहयोग करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्थापित करने के लिए. द सेकेंड वर्ल्ड वार शटर्ड मैनी ऑफ द इजिप्शियन इंस्ट्रक्चर ऑन विच द यूरोपियन स्टेट्स हैड बेस्ड देयर रिलेशंस. और सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से जो यहाँ के यूरोपियन स्टेट्स के कुछ जो स्ट्रक्चर्स थे, अजम्पशंस थे उनकी, वो सारी की सारी क्या डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. एंड इन 1945 में द यूरोपियन स्टेट कन्फ्रंटेड द रुइन ऑफ देयर इकोनॉमी. 1945 तक जो यूरोपियन जो कंट्रीज थी, यूरोपियन जो स्टेट्स थे, उनकी जो इकनॉमी वो तबाह हो गई थी, अर्थव्यवस्था उनकी बिल्कुल ही बर्बाद हो गई थी. एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इजिप्शियन, और उनके जो प्रिंसिपल थे, जो उनके सिद्धांत थे, जो उनके स्ट्रक्चर्स थे, वो सारे के सारे भी क्या हो गए थे, डिस्ट्रक्ट हो गए थे. यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वॉज एडिड बाय द कोल्ड वार. और यूरोपियन का इंटीग्रेशन कब हुआ, 1945 के बाद हुआ था, कोल्ड वार के ड्यूरेशन में. अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प ऑफ रिविविंग यूरोपीय इकोनॉमिक अंडर वॉज कॉल्ड द मार्शल प्लान. और 19 इसके बाद जो अमेरिका है उसने यूरोप की जो इकनॉमी थी उसके लिए उसने काफ़ी हेल्प की थी अमेरिका कंट्री ने. और इसी प्लान को क्या बोला गया था, मार्शल प्लान बोला गया था. द यू एस ऑल्सो क्रिएटेड ए न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर अंडर नाटो. और यूएस ने जो उन्हें मतलब इस तरीके की जो हेल्प दी थी वो किसके अंडर दी थी, नाटो के अंदर ही दी थी. एंड अंडर द मार्शल प्लान, और मार्शल प्लान के अंदर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ओईईसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948 टू चैनल एड टू द वेस्ट यूरोपियन स्टेट. अब ये कहता है कि मार्शल प्लान में क्या था, मैंने बताया आपको जो उनको इकोनॉमिक हेल्प दी थी, ठीक है, वो मार्शल प्लान था. और मार्शल प्लान के अंदर क्या प्लान रखा गया था कि उन्हीं के लिए जो वहाँ की वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं, जो पश्चिमी स्टेट्स हैं यूरोप की, तो उनको हेल्प दी जाएगी. और उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप किया गया, और जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ओईईसी था, ठीक है. ये आपके क्वेश्चन भी बन गया है यहाँ से, और ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है. और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1948 में की गई थी. इट बिकम ए फोरम वेयर द वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट बिगेन टू कॉपरेट ऑन ट्रेड. और ये एक ऐसा मंच बन गया था, ऐसा फोरम बन गया था, जिसमें जो वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट थे, वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज थी, बिगेन टू कॉपरेट, एक दूसरे के साथ उन्होंने सहयोग करना स्टार्ट कर दिया था व्यापार के मामले में और इकोनॉमिक इश्यूज़ के मामले में. द काउंसिल ऑफ द यूरोप, और यूरोप की जो काउंसिल थी, एस्टेब्लिश्ड इन 1949 में उसकी स्थापना हुई, वॉज अनदर स्टेप फॉरवर्ड इन पॉलिटिकल कोऑपरेशन. और यह एक अन्य स्टेप था जिसकी वजह से यह राजनीतिक कोऑपरेशन की तरफ था. द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्री प्रोसीडेड स्टेप बाय स्टेप. इस तरीके से ये कहता है कि जो प्रोसेस है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्री प्रोसीडेड स्टेप बाय स्टेप एंड टाइमलाइन ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन. और इसकी वजह से जो फॉर्मेशन हुई थी वो किसकी हुई, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की फॉर्मेशन हुई 1957 में. द प्रोसेस एक्वायर्ड ए पॉलिटिकल डायमेंशन, और इस प्रोसेस में इसने किस चीज़ को एक्वायर किया, एक पॉलिटिकल डायमेंशंस को, विद द क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, जिसमें यूरोपियन पार्लियामेंट का निर्माण किया गया. द कोलैप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक पुट यूरोप ऑन ए फास्ट ट्रैक,
और जो सोवियत ब्लॉक का विघटन हुआ, कोलैप्स हुआ, उसकी वजह से यूरोप जो है वह यूरोप का निर्माण जो एक फास्ट ट्रैक पे आ गया एंड रिजल्टेड इन द एस्टेब्लिशमेंट, और इसका जो रिजल्ट हुआ वह क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन हुई 1992 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि यूरोपियन यूनियन की जो स्थापना है वह कब हुई थी, 1992 में हुई थी, 1992 में हुई थी, एंड द फाउंडेशन वॉज द स्लेट फॉर ए द फाउंडेशन वॉज द स्लेट फॉर ए कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, और जो इसका आधार था वो क्या था, सभी के लिए एक कॉमन जो है फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए, कॉपरेशन होगा ऑन जस्टिस होम अफेयर्स पे एंड द क्रिएशन ऑफ ए सिंगल करेंसी, और यहाँ पर एक सिंगल करेंसी का निर्माण किया जाएगा, एंड द यूरोपियन यूनियन has evolved over the time from an economic union to the increasingly political one, और अब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो यूरोपियन यूनियन है वह समय के साथ अपना उसका अस्तित्व जो था वह बदलता गया, स्टार्टिंग में जो उसका अस्तित्व था वह एक इकोनॉमिक पर्पस से था, बट बाद में इसकी जो इम्पोर्टेंस है वह पॉलिटिकल रूप से हो गई, द यूरोपियन यूनियन हैज़ स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज ए नेशन स्टेट, और अब जो यूरोपियन यूनियन है वह एक नेशन किस तरह ही काम करता है, वाइल द अटैम्प्ट टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यू हैव फेल्ड, जबकि हम ये कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था उसमें भी फेल हो गए थे, इट हैज़ इट्स ओन फ्लैग, लेकिन फिर भी इसका एक झंडा है, एंथम है, और इसकी फाउंडिंग डेट है, और इसकी खुद की करेंसी है, इट ऑल्सो हैज़ फॉर्म ऑफ ए कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी policy in its dealing with the other nation. The European Union has tried to expand area of cooperation, और European Union ने अपना area क्षेत्र बढ़ाने के लिए कुछ सामंजस्य किया है, while acquiring new members, जब भी वह कभी किसी नए सदस्य को अपने अंदर सम्मिलित करता है, स्पेशली फ्रॉम द रेस्ट वाइल सोवियत ब्लॉक, और स्पेशली जो इसमें जो राष्ट्र इन्वॉल्व होते हैं वो नए राष्ट्र कौन से, नए सदस्य कौन सम्मिलित होते हैं जो सोवियत ब्लॉक से होते हैं, द प्रोसेस हैज नॉट प्रो ईजी, ये जो प्रोसेस है यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, फॉर पीपल इन मैनी कंट्रीज आर नॉट वेरी इंथू जस्टिक इन गिविंग द EU पावर दैट वॉज एक्सरसाइज बाई द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्री, जो वहाँ उस देशों से संबंधित लोग होते हैं वो काफ़ी उत्साहित नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी जो पावर्स हैं जो उनकी कंट्री के पास थी अब वे कहाँ जा रही हैं, EU यूरोपियन यूनियन के पास जा रही हैं, देयर आर ऑल्सो रिजर्वेशन, यहाँ पर रिजर्वेशन भी है अबाउट इंक्लूडिंग सम न्यू कंट्रीज विद इन द EU, जो EU में कुछ नए सदस्य राष्ट्र सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ से कुछ मैंने आपको 1-1 marks के questions बताए हैं, दैट मीन्स what is the Marshall Plan, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर एशियन की फुल फॉर्म बताई, यूरोपियन यूनियन की तो आपको याद ही रहेगी, ठीक है, यूरोपियन यूनियन EU की ये तो आपको याद ही रहेगा, और फिर मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये सारे के सारे आपको लर्न करने हैं, और 1-1 marks के जो क्वेश्चन है वो साथ के साथ अपनी नोटबुक में आप राइट डाउन करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया इतना।